हुए हैं इस फिल्म में, और क्या कहना चाहेंगे आज उसके अवसर पर? आज साइनिंग भी हुई और बर्थडे पार्टी भी था, तो क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए पिया तो से प्रीतिया हमार, यही है ना सर? ये बहुत खूबसूरत टाइटल है और इसको डायरेक्ट हमारे संदीप मिश्रा जी कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और उत्तर प्रदेश के ये प्रदेश अध्यक्ष भी है, और साथ में हमारे सहयोगी मेरे भाई मेरे दोस्त जितना भी अजीज कह लीजिए हमारे नौशाद आर खान साहब, तो हमारे ये मीत भी हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और हम दोनों भाई मिल के इस बार नौशाद ब्रदर्स के नाम से म्यूज़िक पहली बार एक फीचर फिल्म में देने जा रहे हैं। गीत आपने लिखा है और गीत संगीत दोनों भाई मिल के कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद में करता हूँ, दुआ करता हूँ अपने रब से कि ये फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, और सृष्टि अपने आप में एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, हमारी फिल्म तो उससे जुड़ सनैया में इसने बतौर मेन अभिनेत्री वर्क किया था और बहुत ही अच्छा लगा, तो इनका नाम मैंने सजेस्ट किया सभी पूरी इस नई टीम को, सभी को अच्छा लगा और आज जो है इनकी साइनिंग हुई है और आज से हमारे पिया तो से प्रीतिया हमार में ये भी शामिल हो गई हैं और मैं भी पहले से शामिल था, भाई भी, सभी लोग। जिस प्रकार फिल्म का नाम है और उस तरह क्या गाने होंगे और क्या, क्योंकि नाम कुछ और होते गाने कुछ और होते, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए हम लोग नज़ीर साहब के फॉलोअर्स हैं, आजकल के जो मेकर्स हैं उनके फॉलोअर्स नहीं हैं, तो हम टाइटल्स के हिसाब से ही फिल्म मेकिंग करते हैं और हम लोग की जो थॉट है वो ऐसा नहीं है कि भोजपुरी समाज को हम पैसे कमाने के लिए किसी भी स्तर में लेके चले जाएं, क्योंकि देखिए लोग क्षेत्र से जुड़े हैं, रीजनल लोग हैं, हम लोग बहुत हाई क्लास के नहीं हैं, हम लोग रीजनल लोग हैं, भोजपुरी सिनेमा को इतना आगे ले जाना चाहते हैं कि वो भी एक उसका भी एक अपना मकाम हो, जैसे आज की डेट में बॉलीवुड है वगैरह वगैरह बहुत सारी है, टॉलीवुड भी है, तो वैसे ही हम भोजवुड को बॉलीवुड को आगे प्रमोट करने के लिए नज़ीर साहब की चीज़ों को आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं की तरफ फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं और एक बहुत खूबसूरत फिल्म जो परिवार के साथ आप बीवी से लेकर माँ से बहन सभी के साथ बैठकर एक फिल्म देख सकें, इसी को जहन में रखते हुए इस फिल्म को भाई ने लिखा है और आगे स्क्रीनिंग जो है जो स्क्रीन पे डिज़ाइन किया है संदीप जी ने वो भी उसी हिसाब से है और उम्मीद करता हूँ कि जब ये फिल्म आएगी तो सभी को बहुत पसंद आएगी और सभी को ये पसंद होगी, कोई कैटेगरी नहीं होगी। ढेर सारी बधाई कि आपका जो गाना गया है 24 मिलियन, उसके लिए ढेर सारी बधाई कि पहली बार ऐसा कोई होता नहीं, भोजपुरी में भी 1 मिलियन जाता है, आपका 24 मिलियन गाना गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस गाने पर? देखिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सभी व्यूवर्स का जिन्होंने इस गाने को सुना है, और देखिए कृष्ण भक्त तो हमें लगता है पूरे वर्ल्ड में है और कृष्ण जी अपने आप में प्रेम के देवता माने जाते हैं और हम लोग खुद भी इश्क करने वालों में से एक हैं, तो हम लोग सभी से इश्क करते हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना ज़्यादा हिट होगा और मैंने वही गा दिया आपको, सच बोलूँ तो पॉल जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, मैं ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर ही काम करता हूँ, सिंगर मैं नहीं बनना चाहता था, लेकिन पॉल जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि नौशाद ये गाना तुम गाओ और बहुत आगे जाएगा, और आपको बता दूँ कि आज 24 मिलियन प्लस हो गया, 25 मिलियन होने वाला है, और हमें संदीप भाई ने मुझे बताया कि अरे यार भाई 24 मिलियन आपका गाना हो गया है, नौशाद नहीं होता, तो कल एक पार्टी छोटी सी रखी गई थी, बहरहाल दो लाइन देखते हैं, दो लाइन उस गाने का, हाँ उसका मैं सुनाता हूँ। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा, बस इस टाइप का है, बहुत खूबसूरत गीत है, आप सुनिएगा, अच्छा लगेगा, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।